नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल HRS Gamer में। और आज का जो वीडियो है वो एक सुपर हीरो गेम के बारे में है, जो है X-Men Origin। और ये गेम पहले PS2 में था और ये गेम ऑफिशियली एंड्रॉयड में भी आ चुका है। तो इसे खेलने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको। वहाँ पर मैंने इस गेम का जो है लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ये गेम 350 MB में आपको मिल जाएगा डाउनलोड, इजीली आप कर सकते हैं ये गेम। सो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो है जेड अचीवर। उसे इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे इसे आपको ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है कि कहाँ पे आपने उस गेम को रखा है। मैंने गेम्स नाम का एक फोल्डर यहाँ पे बनाया हुआ है अलग से, उसी के अंदर मैंने गेम को रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 350 MB का ये गेम है। तो इसमें करना क्या है, इसमें क्लिक करना है आपको और यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट हेयर का, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट हेयर का, इसमें क्लिक करना है आपको और ये एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ये होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, सो तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा आपको कि कब तक ये जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सट्रैक्शन है वो कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारा जो गेम है वो यहाँ पे शो कर रहा है, जो ISO फाइल है यहाँ पे। अब वो करना क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक और एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जो है PPSSPP एमुलेटर गोल्ड, जो प्ले स्टोर में आपको पेड मिलता है। वो मैंने फ्री में अपलोड करके रखा है, वहाँ से आप इजीली से डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ 13 MB का APK है, उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको और उसके बाद आपको उसे ओपन करना है और आपको सर्च करना है कहाँ पे आपने उस गेम को रखा है। आप इंटरनल स्टोरेज में पहुँच जाएंगे, इस तरह का इंटरनल स्टोरेज में आ जाएंगे आप। SD कार्ड के जो स्टोरेज है वो वहाँ पे आप आ जाएंगे और आपको सर्च करना है कि आपने किस फोल्डर में अपने जो गेम है वो रखा है। मेरा तो है गेम्स नाम का फोल्डर के अंदर ही है मेरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो गेम का जो आइकन है यहाँ पे आ चुका है। लेकिन इस गेम को खेलने के लिए सबसे पहले तो आपको जो सेटिंग्स है उसे एक बार देख लेना है, आपको सेटिंग में आपको देख लेना है एक बार। तो सबसे पहले सेटिंग है वो है मोड, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये वाला मोड। इसमें यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जब आप इसमें क्लिक करेंगे। तो इसमें आपको क्लिक करना है, यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है और उसके बाद नीचे आ जाएगा हमको थोड़ा सा। और उसके बाद यहाँ पे ऑटो फ्रेम स्किप, यहाँ पे आप जैसे इसमें क्लिक करना है और उसके बाद फ्रेम स्किपिंग में क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी एक मतलब 3 या 2 उसमें क्लिक कर देना है आपको। फिलहाल मैं 2 ही रखता हूँ, आप 3 या 2 रख सकते हैं, कोई भी एक रख सकते हैं आप इन दोनों में से। और दूसरा है यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग शेडर, इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको शार्पन, जो यहाँ पे ये ऑप्शन है शार्पन, इसमें क्लिक करना है आपको और नीचे आ जाना है। और उसके बाद यहाँ पे इस वाले में क्लिक करना है, इमर्सिव मोड, इसमें क्लिक करना है और उसके बाद रेंडियरिंग रेजोल्यूशन, इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे इस फर्स्ट में ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट में ऑटो 1:1 सॉरी, उसमें क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आ जाना है और उसके बाद डिस्प्ले रेजोल्यूशन में क्लिक करना है और यहाँ पे ऑटो सेम एज रेंडियर रेजोल्यूशन जो आपने पहले किया था पहले, ये यहाँ पे इस सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना है आपको और उसके बाद नीचे आ जाना है आपको एकदम नीचे। और यहाँ पे लोअर रेजोल्यूशन फॉर इफेक्ट्स में क्लिक करना है और यहाँ पे सेकंड में जो ऑप्शन है सेफ में क्लिक कर देना है और कुछ नहीं, और आपका गेम जो है बहुत ही स्मूथली चल जाएगा। बैक कर लेना है आपको और जो गेम है उसमें क्लिक करना है, इस आइकन में क्लिक करना और गेम है वो चल जाएगा स्मूथली, कोई लैग नहीं करेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें जो साउंड है ना, मतलब जो साउंड है क्वालिटी है इसका वो थोड़ा सा खराब है, लेकिन गेमिंग क्वालिटी जो है मतलब इसका गेम प्ले है, मतलब जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्मूथली होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो गेम है वो स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमारा जो गेम है वो चल चुका है, कोई दिक्कत जो है नहीं आ रही है और यहाँ पे स्टोरी मोड चल रहा है। मैं तो पहले से ये खेल रहा हूँ,
तो आप न्यू गेम में क्लिक करके गेम को जो है खेल सकते हैं। ये PS2 का गेम है, एक और बता रहा हूँ मैं, और वो गेम एंड्रॉयड में आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम स्मूथली ये गेम चल रहा है मेरे एंड्रॉयड डिवाइस में, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये गेम एकदम स्मूथली चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो गेम है वो चल चुका है और यहाँ पे स्मूथली चल रहा है, लैग नहीं कर रहा है ये गेम। तो आप भी इस गेम को खेल सकते हैं इजीली अपने एंड्रॉयड डिवाइस में। सर ब्राइटनेस से बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको ठीक से दिख सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम जो है बहुत स्मूथली चल रहा है। एक बार गेम को खेल के ट्राई कीजिए, गेम काफ़ी अच्छा है। सो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।